दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है प्रेल क्लासेस में। दोस्तों सीटेट के एडमिट कार्ड को लेकर अहम फैसला आज हो सकता है, और सीटेट का एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुआ वो भी इसमें खबर आपको मिल जाएगी। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, सीटेट के एडमिट कार्ड को लेकर, सीटेट की परीक्षा को लेकर, और ओमिक्रॉन जो नया कोरोना वेरिएंट है वो क्या इफेक्ट डालने वाला है आपकी परीक्षा में, उसको लेकर भी खबर आ गई है निकलकर। दोस्तों विस्तार से इस खबर पे चर्चा करेंगे जो भी खबरें होंगी, लेकिन दोस्तों आप 2 से 3 मिनट का अपना समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दबाइए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी भी सीटेट को लेकर मजबूत हो जाए। सबसे पहले एक और बात आपको बता देते हैं, जो भी सीटेट की तैयारी करता है उसके लिए examcrack.org इस साइट पे जाकर आप वहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रश्नावली आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत और कंठस्थ करिए। साइट को सर्च करने के लिए गूगल पे जाकर आपको www.examcrack.org सर्च करना है। देख लीजिए किस प्रकार से सर्च करना है, examcrack.org नीले कलर का लोगो आपको साइट का दिखेगा, इस साइट पे जाना है, ये ऑफिशियल साइट है, बाकी बहुत सारी फेक साइटें हैं। चलिए इस खबर को जान लेते हैं एडमिट कार्ड की। ये एक मीडिया हाउस ने अभी अभी पब्लिश की है खबर, एक रेपुटेड मीडिया हाउस द्वारा अभी एक घंटे पहले ये खबर पब्लिश की गई है। सीटेट 2021 एडमिट कार्ड लाइव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज यानी 6 दिसंबर 2021 को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल साइट CTET.NIC.IN पर जाना होगा। हालांकि बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी होने वाली ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई। पिछले साल एडमिट कार्ड को जारी होने का ट्रेंड को देखें तो जल्दी एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। तो पिछले साल के जो ट्रेंड है उसको देखें तो होता ये रहा है कि 2 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते थे। इस बार कुछ वजह हैं, क्या हैं वो भी अभी आपको बताते हैं बाक 10 सेकेंड में। चलिए खबर को देखते हैं। ओमिक्रॉन यूपी में बढ़ेंगे 74,000 बेड। और एक खबर, ये मेन हेडिंग पर मत ध्यान दीजिए, किनारे आपको एक खबर दिख रही होगी चिंताजनक। ओमिक्रॉन के एक दिन में मामले जो हैं 17 मामले आ चुके हैं, यानी कि टोटल 21 मामले हो चुके हैं, और ये दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसकी वजह से, और जो आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा सेंट्रल लेवल की होती है, हर स्टेट में होती है, और हर स्टेट में होने की वजह से, सेंट्रल लेवल के होने की वजह से, बड़े पैमाने में छात्रों के होने की वजह से इस परीक्षा में कुछ व्यवधान ना आए, उसकी वजह से मंथन आज जारी हो चुका है। आज शाम तक कोई ना कोई अच्छी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि सीटेट की परीक्षा को लेकर परीक्षाएं डिले भी हो सकती हैं ओमिक्रॉन को लेकर, या फिर परीक्षा को लेकर कोई अहम जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ओमिक्रॉन आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है, इसलिए इस परीक्षा को आगे बढ़ने की संभावना अभी तो नहीं है। ये संभावना शाम तक पता चलेगी, क्या खबर आती है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या नोटिस आता है। आज शाम तक एक कोई ना कोई नोटिस आना अनिवार्य लग रहा है, जैसा कि मंथन शुरू हो चुका है। अब आपको बता देते हैं सीटेट की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आपका सीटेट 16 दिसंबर से शुरू होगा तो जिन्होंने सवाल किया था अब आपके सवाल लेते हैं कि अल्फाबेट के आधार पर होगा, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। जो भी ऑनलाइन एग्जाम या जो भी एग्जाम होते हैं, जब परीक्षाएँ कई दिनों तक चलती हैं तो अल्फाबेटिक रूप जो नियम है, यानी जो ABC यानी जिनका अक्षर से नाम शुरू होता है उनको पहले बुलाया जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनको पहले, जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है उनको बाद में बुलाया जाए, यानी पहले वह रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ वाली नीति अपनाई जा सकती है। और भी क्लासें आपको सीटेट की तैयारी करना है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो, हिंदी के 40 से 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने को, पूरी हिंदी की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और जो आ सकते हैं संभावित क्वेश्चन सारे आपको इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।